हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2। और 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्न समीकरण युग्मों को, निम्न रेखीय समीकरण जो है उन युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से, ध्यान रखना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हमको सॉल्व करना है, विधि से हमें हल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई बराबर 14 एंड सेकेंड है इसका ये जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 14, इसको सॉल्व करना है हमको प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लेना है समीकरण 1 से, क्या लेना है, तो हमारा समीकरण 1 तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो हमारा है समीकरण 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड समीकरण है। अब सबसे पहले समीकरण 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। समीकरण 1 लेंगे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, y प्लस में है, इसको हमें लेफ्ट से राइट में लेके जाना है। x इज इक्वल टू 14 माइनस, प्लस में y था, किस में आया इधर, माइनस में आएगा तो माइनस y, 14 में से y कट करना, मतलब x इज इक्वल टू 14 माइनस y हमारे पास आ गया। इसको हम दे देंगे कि समीकरण हमारा कौन सा बना, 3 समीकरण, कौन सा समीकरण बन गया हमारा, 3 समीकरण बन गया। अब क्या करना है आपको, जो हमारे पास समीकरण की 3 की जो वैल्यू आई है, समीकरण 3 3 के मान को या x के मान को समीकरण, ध्यान रहे 2 में रखना है, किस में रखना है, समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां पर है x माइनस वाई बराबर 4, तो x की जगह हमको 14 माइनस वाई रखना है, 14 माइनस वाई, और यहाँ पे ऑलरेडी y है हमारे पास, और बराबर में क्या है 4, 14 इधर प्लस में है, x की जगह हमने वैल्यू क्या रखी, 14 माइनस वाई। अब ये जो वैल्यू है ना 14, वो आपको इधर ले जानी है, तो माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस के 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 2y, 4 इधर है, मेरे को ऐसा कैसा रखना है, प्लस में 14 है वो किस में चला जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 कट करेंगे तो आएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस फिर कट, और y इज इक्वल टू कितना आया, 10 अपॉन 2, तो 10 अपॉन y अपॉन 2 आया, 10 अपॉन 2 तो 2 5 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है इसको, वैल्यू को, y की जो वैल्यू है उसको हमें रखना है समीकरण 3 में, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 था x इज इक्वल टू 14 माइनस y, x इज इक्वल टू 14 है हमारे पास, माइनस y की वैल्यू की जगह हमें 5 रखना है, और 14 में से 5 कट किया तो कितना आया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और y की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। तो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। प्लीज़ ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू सो मच।